वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी दशकों तक विपक्ष के छल से किसानों की आशंका का जिक्र कर रहे थे, नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रहे थे, लेकिन दिल्ली में बैठे किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब जहां हैं वहां ही डटे रहेंगे, वहां डटे नहीं रहेंगे, जैसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं वाराणसी से पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद किसानों ने कहा कि एक तरफ सरकार बातचीत का न्योता देती है तो दूसरी तरफ बीएसएफ को तैनात कर देती है। जब मोदी जी जो मन की बात करते हैं, जो कल हमने उनका कंडीशनल इनविटेशन था उसको रद्द किया कि कंडीशन हम नहीं मानेंगे, आज उनका क्वैद शुरू हो गया दूसरा, जैसे बोलते हैं कि मुंह में राम राम बगल में शुरू, ऐसा मोदी ने कर दिया है। अभी बीएसएफ लगाया है और दूसरा लगाया। वहीं किसान आंदोलन में सक्रिय स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव पीएम मोदी को पुराना वादा याद दिला रहे हैं। मोदी जी आप मेरी बात ना माने, ये किसान तो बेवकूफ है, इनकी बात भी मत मानो। आप ऐसा करें, सन 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था नरेंद्र मोदी, उनकी बात तो मान लो। उन्होंने लिख के कहा था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। क्या मोदी जी तब आप झूठ बोल रहे थे, तब आप बरगला रहे थे, या कांग्रेस सत्ता में थी इसलिए बोल रहे थे? उधर किसानों को समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है, हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है, ट्रैफिक क्यों रोक रहा है? अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है, किसान खुश क्यों नहीं है? हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस बीच गतिरोध बना हुआ है, किसानों ने सशर्त बातचीत के पेशकश को खारिज कर दिया है, लेकिन बिना शर्त बातचीत का रास्ता खोल रखा है। मौसमी सिंह और आनंद पटेल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।